लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में देशभर की 102 सीटों पर मतदान कल संपन्न हुआ। इसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें भी शामिल हैं। तमिलनाडु में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन भी बेहद मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहा है। राज्य भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्ना मलाई खुद कोयम्बटूर से मैदान में हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, उनके सामने डीएमके के गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके के सिंगाई रामचंद्रन मैदान में है। यहां कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। यहां पर अन्नामलाई के समर्थन में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो किया। अन्नामलाई ने अपना वोट डालने के बाद कल पत्रकारों से बातचीत में बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस सीट पर डीएमके और एआईएडीएमके के उम्मीदवारों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 1,000 करोड़ रूपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि कोयम्बटूर में डीएमके और एआईएडीएमके जो भी कर रही है सभी लोग उसे देख रहे हैं। यहां 1,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। अगर वो मीडिया के सामने एक भी ऐसा वोटर ला दें जो कहे कि भाजपा के लोगों ने उसे प्रभावित करने की कोशिश की है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये राजनीति सिद्धांत की बात है। दरअसल भाजपा अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में कम से कम दहाई अंकों में सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीते चुनाव में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं थी, उसे कोई सीट नहीं मिली थी। राज्य की 39 में से 38 सीटों पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली थी। इसी उम्मीद में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व काफी आक्रामक है। अन्नामलाई ने खुद काफी मेहनत की है। पीएम नरेंद्र मोदी बीते कुछ समय में बार बार तमिलनाडु का दौरा करते भी देखे गए। वहीं इधर अन्नामलाई जो कि युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, वो लगातार डीएमके सरकार के कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम के सांसद पीआर नटराजन को 40% वोट मिले थे, तो वहीं डीएमके दूसरे नंबर पर थी। पिछले आम चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का एक भी सीट पर खाता नहीं खुला था। कोयम्बटूर से बीजेपी के उम्मीदवार के अन्नामलाई ने 2019 में आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दिया। 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और इस बार पार्टी ने उनके चेहरे पर दाव खेला है। उनके बैकग्राउंड को देखते हुए जनता में उन्हें लेकर बेहद उत्सुकता नजर आई है। उनको सिंघम भी कहा जा रहा है।